गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 4। बच्चों आज हम हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। नीचे कुछ फिलअप दिए हुए हैं जिसमें जो वर्ड उसमें सुटेबल है उस वर्ड को हमको भरना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, देयर आर डैश मिल्क टीथ इन अ बेबीज माउथ। हमने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया था कि बेबीज माउथ में कितने टीथ होते हैं, तो आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि बेबीज माउथ में 20 टीथ होते हैं, जिसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश टीथ कंप्लीट द एडल्ट सेट ऑफ 32 टीथ। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, विजडम। इसमें हमने आपको बताया था कि जो टीथ होते हैं, जब टीथ निकलते हैं तो वो टीथ 28 का सेट होता है, 28 टीथ होते हैं, और बाद में 4 टीथ आते हैं जो कंप्लीट होकर के 32 टीथ बनाता है। जो 4 टीथ बाद में निकलते हैं उस टीथ को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, और ये टीथ मिलकर के पूरा 32 टीथ का सेट तैयार करता है। नंबर 3, डैश आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फ्लेश। तो कौन सा टीथ को हम लोग टीयरिंग काटने या चीरने में मदद करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, केनाइंस। बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, और वो कौन कौन है, इंसीजर, केनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। उसमें चारों टीथ के जो वर्क थे वो डिफरेंट थे, जिसमें केनाइंस जो है वो टीयरिंग करने में मदद करता है, और ऐसे टीथ लगभग कार्निवोरस एनिमल में पाए जाते हैं, वैसे एनिमल में जो फ्लेश ईटिंग एनिमल है, जो जानवरों को मार के खाता है, इसलिए ऐसे एनिमल में केनाइंस ज़्यादा डेवलप होते हैं ताकि वो उस तरह के जानवर को मारकर खा सके। नंबर 4, डैश मेक्स अप द प्रोटेक्टिव आउटर सरफेस ऑफ द क्रॉन ऑफ द टूथ। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, इनामेल। बच्चों हमने टीथ के बारे में आपको बताया था कि हमारा टीथ 2 पार्ट में बटा होता है, पहला क्रॉन और दूसरा रूट। जैसे यहाँ इस फिगर में दिया हुआ है, ये हमारा टीथ है, इसके जो ये विजिबल पार्ट हैं जो हमें दिखते हैं इसे हम लोग क्रॉन कहते हैं, और ये नॉट विजिबल हैं जिसे हम लोग रूट कहते हैं, जो गम्स के अंदर रहता है। ये जो विजिबल पार्ट है इसे रूट कहते हैं, और ये वाइट पार्ट है जो हमें खाने में, चबाने में, काटने में मदद करता है, जो वाइट होता है इसे हम लोग एनामेल कहते हैं, यही प्रोटेक्टिव आउटर सरफेस है, इसलिए हम लोग इस फिलअप में क्या भरेंगे, एनामेल भरेंगे। नंबर 5 एंड लास्ट, ऑल माइक्रोब्स आर नॉट डैश टू अस। इसमें हम लोग क्या भरेंगे, हार्मफुल। सारे माइक्रोब्स क्या हार्मफुल होते हैं, तो नहीं, सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं, बहुत चीज़ों में हमारी मदद करते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स से बहुत तरह के मेडिसिन तैयार की जाती है जो हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं, इसलिए इसमें हम लोग ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल टू अस ये सेंटेंस भर के कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू।